वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मिशिता और मैं हूं अंकिता और आज हम दोनों एक साथ इस वीडियो में आए हैं तो कुछ तो एक्साइटिंग होना चाहिए। तो आज हमारा फर्स्ट चैलेंजिंग वीडियो है और इस चैलेंज का नाम है हाउ विल यू नो मी। तो दीदी मुझसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और मैं दीदी से 5 क्वेश्चन पूछूंगी तो हम इसमें देखेंगे कौन किसको कितना जानता है। 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो जितने दिमाग में आएंगे उतने हम कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन एक दूसरे को कितना जानता है और जो हारेगा उसे 20 सिटअप्स करने पड़ेंगे। तो फिर देखते हैं कि कौन जीता है और कौन हारता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने डायरी पे क्वेश्चंस लिख लेंगे जो हम एक दूसरे से पूछने वाले हैं। अपने क्वेश्चंस लिख लिए हैं और अब हम एक दूसरे से अपने अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। तो स्टार्ट कैसे करें? टॉस करते हैं स्टोन पेपर सीजर, जो जीतेगा वो स्टार्ट करेगा। मैं बंद कर देती हूं, देख स्टोन पेपर सीजर्स। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। तो मैं शुरू करूंगी। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगी, तब देखते हैं कि तुझे आता है कि नहीं। व्हाट इज माय बर्थ डेट? 9 सितंबर। हाँ, गलत। क्या थी गलत? 9 सितंबर सच में 8 तो एक हो गया ना। तो अब ईयर ही बताना पड़ेगा, ये कौन सा ईयर है? कौन सा ईयर मुझे पता, 1989 1989 हाँ मुझे। तो मेरी बर्थ डेट है 8 सितंबर 2001। तो ये अनु हार चुकी है और इसका मुझे मिलता है 1 पॉइंट और अनु के है 0 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। ओके, हाउ मच चॉकलेट डू आई ईट? हाउ मच चॉकलेट, तू मीठा खाती भी नहीं है बेसिकली। अगर ये ज्यादा चॉकलेट्स खाए तो उसको कान में दर्द शुरू हो जाती है। तो एक ओनली 1 चॉकलेट। हाँ, कैसे पता? देखो बहनों को सब कुछ पता होता है। तो फिर इस हिसाब से मेरे हो गए 2 पॉइंट्स और आप फिलहाल 0 पे ही हैं। 0 पे ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुमसे कितने साल बड़ी हूँ? 10 साल। सच में पता था कि तुक्का लगाया है? सच्ची पता था, मुझे 10 साल बड़ी है। तो फिर इस हिसाब से मैं हूँ 2 पे और अनु है 1 पे, तो 2-1 का स्कोर है। अब देखते हैं कि अनु कौन सा क्वेश्चन पूछेगी और मेरे मार्क्स बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे। हाउ मेनी टाइम आई रीड बुक्स? रीड बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है, सिर्फ रात में पढ़ती है ये सोने से पहले, और वो तब पढ़ेगी जब मैं कहूँगी कि अनु होमवर्क कर ले। रीडिंग सिर्फ एक बार, वो भी रात में। तो स्कोर है 3-1। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है। माय मोस्ट कॉमन डायलॉग टू यू? परेशान नहीं कर। ये सही है, ये मेरा मोस्ट कॉमन डायलॉग होता है इसको कि मुझे परेशान मत कर, मुझे परेशान मत कर। तो कितना स्कोर हुआ? 2 और मेरा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? नन अदर देन मी, मैं ही हूँ, मुझे पता है। बिल्कुल सही। थैंक यू। तो मेरे हो गए 4 पॉइंट्स। मैं तो अभी विशिष्ट बोल बैठी हूँ, मैं तो हार जाऊंगी। नहीं जी, अभी ऐसे हार मत मान। अच्छा ठीक है, विच इज द मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट ऑफ मी? ऐसी कौन सी आदत है मेरी जिसको देख के तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि दीदी मत क्या करो, मत क्या करो, ऐसा कुछ क्या है, क्या है, क्या है? मुझे भी पता है कि क्या इरिटेटिंग है, तुझे बताना है कि इरिटेटिंग क्या है। इससे मुझे 2 मिनट्स तो सोचने के लिए। सोचो आराम से सोचो। हाँ, मुझे पढ़ने के लिए बोल, नहीं पढ़ने के लिए मान जाती हूँ, छे कपड़े को पहनने को बोल देती हूँ। अनु की प्रॉब्लम ये है कि ये कपड़े नहीं पहनती है, मतलब कपड़े पहनती है बेसिकली, लेकिन जैसे विंटर्स में हम लोग होते हैं ना कि बहुत ज्यादा अच्छे से फुली पैक हुए होते हैं, ये नहीं होती, ये सिर्फ अंदर से टी शर्ट पहने के ऊपर स्वेटर, बस जी हो गया, फिर बीमार हुई कुछ हो गया तो उसको कोई टेंशन नहीं है, एक ही कपड़े में पूरी सर्दियाँ निकाल देगी। तो ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग हैबिट है मेरी, जो मैं उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करती हूँ। तो इस हिसाब से आपके पॉइंट्स हो गए हैं,
3 और मेरे हैं 4 अब हार जाओगे अब तक मैं क्या क्वेश्चन पूछती हूँ ठीक है What is the thing that I love to do when I am happy? आप बिल्लू से बहुत प्यार करते हो हाँ बिल्लू से प्यार करते हैं तो मतलब क्या बिल्लू के साथ क्या करते हैं मतलब खेलते रहते हो ऐसे ही तो हमारे पास एक सॉफ्ट टॉय है कैट तो उस बिल्लू के साथ हम बहुत ज्यादा खेलते हैं मुझे बहुत मजा आता है जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मैं बेसिकली उसके साथ ही खेलती हूँ तो पॉइंट्स 4-4 हो चुके हैं मेरे बराबर पहुंच चुकी है अब देखते हैं कि जीतेगा कौन बोलते हैं इसलिए जैसे कि पेपर देने जा रही है व्हिच इज माय फेवरेट कलर पिंक ऑब्वियसली नो पिंक नहीं गलत है मेरा है ऑरेंज पिंक कलर इसके पास सब कुछ पिंक है इसके पास ड्रेस पिंक है इसके बर्थडे पे केक्स पिंक आते हैं इसका टेंथ हाउस पिंक है इसके पास सब कुछ पिंक पिंक है फिर भी देखो फेवरेट कलर इज ऑरेंज वाह 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 मुझे ना ऑरेंज अच्छा बहुत पिंक चलो कोई बात नहीं तो तेरे होंगे 5 पॉइंट्स और मेरे होंगे 4 पॉइंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डिलीशियस स्वीट डिश आई हैव एवर मेड ब्रेड का मीठा गलत 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 तो जो बेस्ट स्वीट डिश मैंने आज तक बनाई है वो है मलाई रोल जो सबको पसंद आया था और बेसिकली वो हर एक को पसंद आया था और वो मेरी आज तक की बेस्ट डिश रही है तो आप हारते हैं और मेरे होते हैं 5 पॉइंट्स सब हम दोनों लास्ट क्वेश्चन मैं कितने साल की हूँ बताओ जी बताओ मुझे पता है आप 9 साल के और वो जो होता है ना जिसके आपका था 2001 में मेरा कौन सा है अच्छा बर्थ डेट आपकी बर्थ डेट है 25 जनवरी 2012 और 6:07 में ये पैदा हुई है ये भी मुझे पता है तो इस चैलेंज की विनर तो अनु हार चुकी है और अनु को पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट के तौर पे से क्या करना है नहीं मैं जो करूंगी दीदी करेगी तो सब बड़े बच्चे करते हैं जो हारेगा वही करेगा और हारा कौन है अन्विता तो अन्विता क्या करेगी 20 स्टेप्स करेगी और अब देखते हैं कि कर पाती है कि नहीं कर पाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो हार चुकी थी और इसने अपनी पनिशमेंट भी कंप्लीट कर लिया तो आज का चैलेंज हमारा कंप्लीट होता है हाँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप कोई और चैलेंजिंग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके चैलेंज का नाम बता देना हम वो वीडियो भी जरूर अपलोड करेंगे तो हमें तो आज बहुत मजा आया और देखते हैं कि आप लोगों को कितना मजा आया सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय